शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक चली माँ दुर्गा की पूजा आराधना संपन्न हुई। विजयादशमी के दिन धूमधाम से माँ दुर्गा को पूरे विधि विधान से विदा किया गया। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को नवरात्रि में स्थापित प्रतिमाओं का जयकारे के साथ विसर्जन किया गया। बता दें कि लखनऊ में माँ की प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर कुड़िया घाट, झूलेलाल घाट और लक्ष्मण झूला मैदान में नगर निगम की ओर से अस्थायी विसर्जन स्थल बनाए गए। वहीं सुबह से ही लोग माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए घाटों पर पहुंचने लगे और बारी बारी से नवरात्रि में स्थापित प्रतिमाओं का जयकारे के साथ विसर्जन किया। गोमती तट स्थित झूलेलाल घाट पर विसर्जन के लिए कुल 5 अस्थायी कुंड बनाए गए। विजयादशमी के दिन लोग पूरे विधि विधान से विदा करके अपनी मूर्तियों को लेकर झूलेलाल घाट पर पहुंचे। यहां बड़ी प्रतिमाओं के लिए एक बड़ा कुंड और छोटी प्रतिमाओं के लिए 4 छोटे छोटे कुंड बनाए गए हैं। विसर्जन के दौरान बड़ी प्रतिमाओं को हाइड्रा की मदद से उठाकर कुंड में प्रवाहित किया गया। वहीं छोटी प्रतिमाओं को लोगों ने हाथ से कुंड में प्रवाहित कर विसर्जित किया। बता दें कि माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने विसर्जन से पहले माँ दुर्गा की आरती उतारी और ढोल नगाड़ों के साथ देवी गीत पर जमकर ठुमके लगाए। इसके बाद माता रानी के जयकारे के साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस मौके पर भक्तों ने कहा कि 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद आज देवी माँ को विदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माँ को विदा करते हुए उन्हें काफी दुख हो रहा है और आज से घर में उनके बिना सूना सूना लगेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि माँ को विदा करते हुए सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। ये 9 दिन हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, 3 दिन की नहीं होती, 9 दिन की होती है। शाम को डांडिया होती है और करीब 2 से 3 हज़ार आदमी का भंडारा होगा जो आज शाम को, और ये 9 दिन तक की माता रानी की सुबह शाम आरती हुई है और सुंदर सुंदर भजन भी होते हैं। दोपहर में कुछ महिलाएं आती हैं उनके द्वारा, और आज माता रानी का विसर्जन है। काफ़ी जो है दुखद है कि अच्छा नहीं लग रहा है माता रानी, क्योंकि 9 दिन हम लोगों ने इनकी सेवाएँ की, अच्छे अच्छे भजन किए और डांडिया हुई, और अब आज विसर्जन है माता रानी का। हाँ, माता रानी से यही है कि हर साल हम लोगों की पूरे वृंदावन के क्लब को अच्छे से रखें, माता रानी से ही आशीर्वाद की कामना करते हैं। ये हमारे सचिव साहब हैं और ये हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, ये लोग सभी लोग मिलके जो है हम लोग माता रानी का भंडारा भी करते हैं और 9 दिन पूजा करते हैं। 9 दिन तो काफ़ी इंजॉय हम लोग करते हैं, काफ़ी अच्छा भी लगता है। 9 दिन हम लोग का कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है। हम लोग षष्ठी से वहाँ पंडाल में जाना शुरू करते हैं और हम लोग 10वीं को आज विदाई है माता की, हम लोग विदा करने आए हैं। आज के बाद हम लोग को तो बहुत ख़राब लगेगा वहाँ, बहुत 10 दिन हम लोग इंतजार करते हैं कि साल भर इंतजार करते हैं कि नवरात आएगा, उसके बाद फिर हम लोग 10 दिन को भी इंजॉय करते हैं। अच्छा लगता है 10 दिन, भगवान हम लोगों को इतना ही जोश दे हमेशा कि हर साल हम लोग यहाँ आते रहें। अच्छा तो नहीं लग रहा है, इंजॉयमेंट बहुत हम लोगों का। और बताइए, आप बताइए क्या। हम लोगों ने 4 दिन अच्छे से इंजॉय कर लिया, षष्ठी को, सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को। आज उदास हो जाएगा, सब सन्नाटा हो जाएगा, सूना सूना लगता है माता के बिना। वेट करेंगे नेक्स्ट ईयर तक, फिर भी बस वही सुख समृद्धि की जो सबकी होती है। यहाँ भी हमारी कमेटी फलती फूलती रहे बस, और अच्छे से और अच्छे लेवल पे हम लोग करें। माता को विदा तो करना ही है अगले साल बुलाने के लिए, पर हाँ ये लग रहा है कि हमें बिल्कुल खाली हो जाएंगे और इमोशनल हो रहे हैं माँ को विदा करने से पहले। ये सेम यही है, बहुत इमोशनल मोमेंट है क्योंकि हम इतने दिनों से पूजा में लगे हुए थे, तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट है हम लोग के लिए। लेकिन अगले साल माँ फिर आएंगी हमारे पास। जी हाँ, खुशी भी होती है लेकिन कष्ट अनेक आचे, ठीक है, किंतु भलो अनेक लागजे कि एत दिन एत भलो करे सेलिब्रेट करलाम, मायर साथे थाकलाम, खेलाम, हासलाम, गाइलाम, एबार माँ चाच्छे, खराब लागजे, ठीक है, माओ तो निजेर बाड़ी जाच्छे ना। हमारे लिए तो बहुत पहला एक्सपीरियंस था ऐसी किसी भी पूजा का जो हमारी पूरी सोसाइटी में हुई थी, बट मिक्स्ड इमोशंस ऑब्वियसली। वी आर फीलिंग वेरी नाइस ऑल्सो कि हमें इतना अच्छा एक त्यौहार देखने को मिला, एक अलग तरीके से भी देखने को मिला बंगाली स्टाइल से, एंड दुख भी हो रहा है क्योंकि हम वो पूरा पूजा सेलिब्रेशन एवरीथिंग सब कुछ हम बहुत मिस करने वाले हैं, बट एट द एंड हम सब बहुत खुश है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। माँ के छाड़ती के तो हर बच्चर मोनी कांदे किंतु छाड़ते तो ताकि आवार आस्ते पारूंगा हमारे का। हम लोग गोमती नगर विस्तार सेक्टर 4 में राज राजेश्वरी दुर्गा पूजा समिति है, वहाँ से आए हैं।
हर साल हम लोग पूजा का स्थापना करते हैं और 9 दिन के बाद हम लोग इसका विसर्जन। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि नॉट ओनली कि सिर्फ गोमती नगर विस्तार सेक्टर 4 बल्कि पूरा गोमती नगर विस्तार खरगापुर मलेशा मऊ हेमा मऊ वहाँ से सभी लोगों को अपने साथ इकट्ठा करते हैं और सभी लोग उसके दर्शन के लिए मूर्तियाँ स्थापित करते हैं इस आशा के साथ कि साल भर हमारी माँ हम लोगों की सबकी रक्षा करेंगी। और आज के दिन विशेष मतलब चूँकि उनका विसर्जन हो रहा है तो इस उम्मीद के साथ कि माँ हम लोगों का साल भर पूरा ध्यान रखेंगी सभी गोमती नगर विस्तार के वासियों का और हमारी पूजा समिति जो उत्साह के साथ इस साल काम किया है या पिछले वर्षों से विगत वर्षों से कर रही है तो आगे भी इसी तरह हम लोग सबके साथ काम करते रहें। धन्यवाद। मैं श्री श्री राजेश्वरी दुर्गा पूजा कमेटी का संस्थापक हूँ ट्रस्टी और ये लगातार हम लोग 5वें वर्ष से हो गया इसको लगातार करते हुए माँ की सेवा करते हुए माँ का पूजा अर्चना करते हुए। और इस वर्ष हम लोगों ने एक नया किया था कि हम लोगों ने बंगाली विधि से किया था, अभी तक हम लोग जो है 9 दिन का किया करते थे लेकिन इस बार हमने 5 दिन का किया था और पूरी पूजा विधि विधान से करते हुए आज हम लोग विसर्जन कर रहे हैं। थोड़ा सा दुख जरूर है पर इसी उम्मीद के साथ कि अगले साल माँ फिर आएंगी तो हम लोग पूरे उत्साह के साथ विसर्जन भी कर रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि दिन प्रतिदिन हम लोगों को माँ कुछ ना कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देती रहेंगी। मैं रुपेश मंडल, लखनऊ दुर्गा पूजा विसर्जन कमेटी का अध्यक्ष। यह ऐतिहासिक विसर्जन आज 140 मूर्तियों के आसपास हम लोग विसर्जन करेंगे और शासन प्रशासन द्वारा जैसा आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से माँ दुर्गा को क्रेन के द्वारा विसर्जन कराया जा रहा है और कुंड में झूलेलाल पार्क में 5 कुंडों का निर्माण किया गया है जिसमें सूखे कुंड 2 हैं और इसमें हम लोग पूजन सामग्री वगैरह को डाल रहे हैं और ये जो कुंड आप देख पा रहे हैं इस कुंड की जो डेप्थ है वो 10 फीट रखी गई है, 40x60 है, इस तरह से 40x45 40x40 के घाट बनाए गए जो 8-8 फीट के। तो बड़ी मूर्तियों का विसर्जन यहाँ हो रहा है और माँ दुर्गा की हर एक मूर्तियों का विसर्जन यहाँ करके तभी हम लोग जाएंगे यहाँ से। आज लगभग 140 से 170 मूर्तियों का विसर्जन होगा और कुछ मूर्तियाँ ऐसी है जिनका विसर्जन हम लोग खुद के घाट में अथवा खुद के स्थान पर करते हैं तो यहाँ पर लगभग 160 से 170 की मूर्तियाँ विसर्जन होगा।